चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मालूम है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हो गए उसके हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जनरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड आपको ज्यादातर मिलेंगे। चलो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एफ वॉलर, एमसीक्यू के लिए याद रखना, एफ वॉलर सिंथेसिस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा कौन सा, तो देखो NH4 CNO, इट्स अमोनियम साइनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें से क्या मिला आपको, यूरिया। यूरिया की फॉर्मूला आपको मालूम है, NH2CO, यूरिया। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। देखो भाई, ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यूरिया ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किसने किया सबसे पहले, एफ वॉलर, किसने किया, एफ वॉलर सबसे पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने वाला वॉलर, क्या बनाया था, यूरिया, NH2CO NH2 एमसीक्यू के लिए सब। चलो, सेकंड दो और साइंटिस्ट थे, एक सिंथेसिस synthesis of acetic acid,
एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH, इथेनोइक एसिड विनेगर जो बोलते हैं आप, विनेगर, विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड, चाइनीज फूड में आता है ना। चलो एसिटिक एसिड, ये सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे, ओके एक ये था, एंड मीथेन, सिंथेसिस ऑफ मीथेन, मीथेन की फॉर्मूला CH4, मीथेन CH4, मीथेन बाय बर्थलोट, साइंटिस्ट का नाम है बर्थलोट, ओके। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी कहां से मिले थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से, ओके। दिस बोथ कंपाउंड एसिटिक एसिड एंड मीथेन सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, ओके। चलो उसके बाद वाला एक टॉपिक देखते हैं, इंपोर्टेंट। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, चलो अब देखो बेटे, कार्बन, कार्बन की बात करें तो पहले थोड़ा समझ लो कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कार्बन की चंद्रन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन 6 नंबर का एलिमेंट है, ओके 6 नंबर एटॉमिक नंबर 6। कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मालूम है? यस सर, बोलो। देखो भाई 1s2 2s2, चार हुए दो बाकी है, 2p2, हम ऐसे लिखते हैं 2px1 2py1 2pz खाली है, वैकेंट है, ओके। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जब वो घर पे होगा कार्बन एटम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, ओके। बट इन चलो टेट्रावेलेंसी की बात करें तो अब क्या होगा, देखो अब इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, देखो भाई एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है 1s2 2s1 में से एक इलेक्ट्रॉन देखो भाई निकल गया, कहां जाएगा 2pz में, 2px1 2py1 और 2pz1, पता चला इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई हो गए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी 4, क्लियर।
अब तो आपके सामने ही है सब। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? फोर। फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ना, हमने आगे भी देखा था चैप्टर नंबर फोर्थ में। क्लियर हुआ टॉपिक भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो? टेट्रा वैलेंस, टेट्रा फोर वैलेंसी होगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? फोर। क्यों? तो वो हमने देख लिया, देखा ना हमने। चलो इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं, CH4। भाई समझने के लिए माइंड में सेट करना आइए, कार्बन की वैलेंसी चार ही होगी। कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, पांच वैलेंसी, छह वैलेंसी, ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको नहीं मिलने वाला। देखो चलो, सपोज हमने CH4 मीथेन लिखा होगा, मीथेन तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी मतलब कार्बन के साथ, देखो भैया ऐसे कोई भी चार एटॉम, चार फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीथेन CH4 हो गए भी। ये चारों के चार कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन के पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन थे देखो 1 2 3 4, चारों के चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। देखो भाई, बराबर ना, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसीलिए याद रखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटे? फोर्थ। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? फोर। अगर देखो सोचने वाली बात है, अब आप बताना, मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया CH3 CH2, भाई ये राइट ऐसे नहीं लिख सकते, कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते। आपको ये लिखना है तो यहां डैश करना पड़ेगा, उसका मतलब एक वैलेंसी बाकी है अभी कार्बन की, पता चला? नहीं तो चलो इतना लिखा, उसका मतलब क्या होगा? कार्बन, देखो भाई कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, ओके, एक कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, देखो दो हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन था पहले वाला, उसकी तो चार वैलेंसी हो गई, देखो 1 2 3 4, बट ये जो सेकेंड कार्बन है उसकी चार वैलेंसी है नहीं है, इसके पास तीन ही वैलेंसी कंप्लीट होती है, एक बाकी है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? डैश लिखते हैं ऐसे, पता चला? कंपलसरी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। एक और बात, चलो अब आप बताना, सपोज आई विल टेक CH3 CH3 CH3, चलो बेटा बताओ ये राइट कंपाउंड है कि रॉन्ग है? बोलो ये राइट है कि रॉन्ग है? गिव मी आंसर, दिस इज राइट या रॉन्ग? ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, वेरी गुड। दे बोलो बाकी सब, रॉन्ग है, बराबर। अब कैसे पता चला ये रॉन्ग है? तो देखो भाई वैलेंसी कम, देखो कार्बन, तीन कार्बन है पहले, तो तीन कार्बन लिख लिए मैंने, देख लो, ये कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एक हुआ, ये दूसरा बंदा आ गया और ये तीसरा बंदा आ गया, ओके, कार्बन के साथ कार्बन अटैच है। अब लास्ट वाला जो कार्बन है उसके पास भी तीन हाइड्रोजन है, ओके, इसके भी तीन बच्चे हैं, देखो। अब ये जो सेकेंड बीच वाला कार्बन है उसके पास भी तीन बच्चे हैं, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन कहाँ सेट करेंगे सर हम? देखो एक तो डाल दिया, दूसरा डाल दिया,
तो देखो भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये जो कार्बन था बीच वाला उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, तो एक हाइड्रोजन तो बाकी रहा, हाइड्रोजन तो बाकी रहा ना। सो दिस इज रॉन्ग, ये बीच में जो CH3 लिखा है मैंने वो CH3 नहीं हो सकता, क्या होगा? CH2 होगा, पता चला बीच में होगा तो CH2 ही होगा। लास्ट में याद रखो ये एंडिंग में होगा तो लास्ट में ऑलवेज CH3 ही होगा। कई बच्चे मैंने बोला ब्यूटेन का लिख लो बेटे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ऐसे लिख देंगे, बीच में भी CH3 डालेंगे ऐसे, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, तो ऐसे लिख देंगे 4 कार्बन। भाई ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ना, ये तो बीच वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 वैलेंसी तो कार्बन की कभी नहीं हो सकती, हमने आगे भी देखा था। मैक्सिमम कार्बन की वैलेंसी कितनी होने वाली है? 4। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होने वाली है? 4th। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट देन टेल मी, ओके यू आर अनम्यूट। तो देखो भाई क्लियर, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4th। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए 4। क्लियर, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटॉम कैसे होती है वो भी हमने देख लिया। चलो क्लियर, कोई भी कंपाउंड आप देखो उसमें चेक कर लेना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज आपके पास ये कंपाउंड आया CH3, सोच के बताना बेटे, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2। चलो भाई सोचो भी राइट है कि रॉन्ग है, बोलो भाई। बोलो देख के ही पता चल जाना चाहिए इसमें क्या है। देखो भाई सिंपल, हर एक कार्बन की वैलेंसी चेक करो। देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, चलो ये कार्बन है, बाकी इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो वो मैंने लिख लिए, एक और कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, उसके बाद डबल बॉन्ड मैंने किया, उसके बाद कार्बन, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है लिखे मैंने, उसके बाद अगेन कार्बन, एच ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम है, हो गया भाई इतना। चलो अब सोचो, बोलो भाई अब कार्बन, ये कार्बन की बात करो तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 हो गई, बराबर ना, अब ये कार्बन की 1 2 3 4 हो गई वैलेंसी कम, बट ये कार्बन जो है ये इसकी वैलेंसी चेक करो कितनी होती है। देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई, more than 4, वेरी गुड। यहां पे भी इसमें भी चेक करो 1 2 3 4 5 more than 4, तो इट इज रॉन्ग। ओके यहां पे चेक करो ये कार्बन की वैलेंसी भी देखो 1 2 3 4 5 हो गई, तो ये पूरा कंपाउंड रॉन्ग है। अब राइट करना है तो क्या, तो वैलेंसी 4 करनी पड़ेगी। तो देखो यहां से मैंने एक एच निकाल दिया, तो अब ये कार्बन की वैलेंसी हो गई, बराबर ना, ये कार्बन जो था उसकी वैलेंसी हो गई लास्ट वाले कार्बन की, 4 हो गया। चलो अब यहाँ पे भी मुझे एक एच निकालना पड़ेगा, अदरवाइज एक बॉन्ड निकालना पड़ेगा। अब एच निकाल दो एक,
हो गए भाई ये कार्बन की भी वैलेंसी थ्री एंड वन। अब ये कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी एक एच निकालना पड़ेगा। अब चेक करो, देख लो भाई फिर से एक बार, अब सबकी वैलेंसी हो गई, चेक करो वैलेंसी हो गई। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C आएगा यहाँ पे ओनली। ओके देखो भाई हो गई वैलेंसी कंप्लीट। अब ये कंपाउंड आपका राइट है। ओके क्लियर। चलो अब एक और, अल्केन अल्किन और अल्काइन, अल्केन अल्किन और अल्काइन आपको मालूम ही है। अल्केन में क्या आएगा बेटे, सिंगल बॉन्ड। अल्केन में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। अल्किन में डबल बॉन्ड आएगा, अल्किन में डबल बॉन्ड। अल्काइन अल्काइन तो उसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखो मैं वो लिखता हूं फिर से, अल्केन अल्केन अल्किन और अल्काइन। ओके अल्केन अल्किन अल्केन, अल्केन मतलब बेटे सिंगल बॉन्ड होगा, अल्किन डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब उसकी वैलेंसी मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो वैलेंसी देखो ये कार्बन की 1, स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप। देखो भाई इसकी वैलेंसी 1 2 3, 1 2 3 हो गई भी 4। ये कार्बन की भी चेक करो 4 हो गई, यहाँ पे भी 4 हो गई, यहाँ पे हो गई भी 4 4 हो गया। क्लियर अल्केन अल्किन अल्काइन। ओके चलो उसके बाद एस कैरेक्टर की बात कर, एस परसेंटेज। एस परसेंटेज पहले तो ये लिखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। चलो हमें मालूम है, हमने देख लिया अभी, अब ये हमारे लिए नया कुछ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में होगा बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन अल्कीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन अल्काइन sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके sp3 sp2 एंड sp। अब परसेंटेज लिखते हैं इसके, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, s ऑर्बिटल ही हो और p ऑर्बिटल के परसेंटेज कितने हैं वो लिखते हैं। चलो sp3 तो उसमें s ऑर्बिटल जो है उसका कैरेक्टर कितना होगा, 25%। टोटल फोर्थ ऑर्बिटल है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गई भी, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना होगा भाई, कितना, 25% होगा s ऑर्बिटल का। p 3 ऑर्बिटल है
तो उसका कितना होगा बेटे 75%, कितना होगा 75%। यहाँ पे तीन ही ऑर्बिटल है तो 33 33 33 समथिंग होगा। तो sp2 की बात करें तो s कैरेक्टर s तो एक ही है तो 33.33 पर 33 लिखता हूं। यहाँ पे भी 32 p है तो 66.66 समथिंग होगा। ओके तो मैं यहाँ पे 66 लिखता हूँ। चलो दो ही ऑर्बिटर है तो 50 50 50 50 याद रखना हो भाई। s कैरेक्टर क्लियर, s परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें है तो अल्काइन में। ओके चलो उसके बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी आपको मालूम होगा कितना होता है अल्केन अल्किन और अल्काइन। अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्केन में बॉन्ड एंगल कितना होगा अल्केन? तो अल्केन की बात करें तो उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, अल्किन में 120 डिग्री और यहां पे अल्काइन में 180 डिग्री। ओके अल्केन में टेट्राहेड्रल शेप होगा, यहाँ पे ट्राइगोनल होगा अल्किन में, और अल्काइन में अल्काइन लिनियर शेप होगा। क्लियर, वो भी लिख देता हूं। चलो टेट्राहेड्रल शेप एंड लीनियर, ये हुआ भाई शेप, ये बॉन्ड एंगल। हो गया भाई, इतना तो हमें मालूम ही है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एस कैरेक्टर अलग अलग है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा भाई 25%, उसके बाद 33%, उसके बाद 25%। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, वो जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी। अब आपको मालूम ही है ये सिंगल सिंपल, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ओके सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी तो सिंगल में, सिंपल अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम है अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको रिलीज करने के लिए बॉन्ड एनर्जी भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। सिंपल वैसे वर्षा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बट अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए, डिसोसिएशन के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। ओके देखो मैं वो भी लिख देता हूं आपको, नीचे अलग से लिखते हैं हम, वो लिखते हैं चलो अल्केन अल्किन अल्काइन हाइब्रिडाइजेशन करके लिखते हैं। देखो sp3 ऊपर वाला ही हो, sp2 और sp, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा भाई? तो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीज। अब
ऐसा नहीं है कि कार्बन जो होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी। अब दिस थ्री आर डिफरेंट कंडीशन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तीनों तीन कार्बन की नेगेटिविटी सेम होगी सर? नो, सेम नहीं होगी। ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इतना याद रखो, जितने बॉन्ड ज्यादा उतनी नेगेटिविटी ज्यादा, याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीज, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, इसका मतलब इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। चलो उसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बेटे, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल बॉन्ड अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे डिक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बोलो भाई, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए ना ऊपर से नीचे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ओके, ऊपर से नीचे जाएंगे तो अब शॉर्टर बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होगी वो शॉर्टर होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर भाई? ओके, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऊपर से नीचे इंक्रीज होती जाएगी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर भाई? याद रखना ये सब नॉलेज में कंपलसरी होना चाहिए आपके माइंड में। अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्केन अल्किन अल्काइन। अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, अल्किन डबल बॉन्ड, अल्किन डबल बॉन्ड, अल्किन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन होगा बेटे। अल्केन सिंगल बॉन्ड है कहीं भी तो उसका मतलब वो कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होने वाला है। डबल बॉन्ड दिखता है आपको तो उसका मतलब वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जो कार्बन है वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। s कैरेक्टर फाइंड कर दो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, s कैरेक्टर, p कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल मालूम है, अल्केन होगा तो 109 के समथिंग होगा, अल्किन डबल बॉन्ड है तो उसका सिर्फ ट्राइगोनल होगा 120 बॉन्ड एंगल, अल्काइन लीनियर शेप होगा तो बॉन्ड एंगल 180। क्लियर? और ये खास याद रखो, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी sp3 2 1 नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। अल्काइन का जो कार्बन है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा, ऊपर से नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे